ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज दो चीज़ें हैं, पहली तो सोनेलाल पटेल की जो जयंती थी, एक परिवार जयंती मना रहा है, दूसरे परिवार को कहीं भी परमिशन नहीं दी गई। आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, क्या कारण रहा, क्यों परमिशन नहीं दी गई, क्या सरकार का कुछ हस्तक्षेप रहा या परिवार की ही लड़ाई थी? नहीं, सरकार का हस्तक्षेप है, ये इसकी हम निंदा करते हैं कि सरकार ने परमिशन न दे करके दूसरे पक्ष को ये साबित किया कि हम आपके खिलाफ हैं। तो चूंकि उनका एक पक्ष सत्ता में है तो सरकार में है, तो आरोप सरकार नहीं चाहती है कि इनको परमिशन मिले, इसी नाते नहीं मिला। और परमिशन वहाँ लोग कृतित्व और व्यक्तित्व पे चर्चा करते ना, कोई वहाँ धरना प्रदर्शन, कोई गोली बारूद तो होना नहीं है। लेकिन ये जो सरकार का कदम है ये गलत है। सरकार और विपक्ष की लड़ाई, सरकार और विपक्ष की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। अपना केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आ रहा, क्योंकि पल्लवी जी भी कह रहे थे कि सिरातों से जब से हम जीते हैं तब से लगातार केशव प्रसाद मौर्य अड़ंगा डाल रहे हैं, कई सारे कामों में क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे जो वेन्यूज़ इनके कैंसिल हुए हैं उनमें उनका भी हाथ है। आपको भी ऐसा लगता है? वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं भाई, वजह सरकार में परमिशन न देना ये क्या साबित करता है? कम से कम किसी महापुरुष की जयंती, मान लीजिए ठीक है आप लोगों को अंदेशा था कि भाई एक जगह दो लोग न रहें, आप दर्जनों भर जगह हैं कहीं दे देते भाई, आप बैठा करके पल्लवी जी को कृष्णा जी को कि भाई दो एक यहाँ दिक्कत है, आपस में तकरार ना हो, इसके निपटने के लिए हम यहाँ आपको जगह दे रहे हैं, चलो यहाँ कर लो, कोई बात नहीं। वो अपना करके उधर चले जाते, ही करके उधर चले जाते, लेकिन रोकना ये गलत कदम है। अच्छा, सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, एक समय था आप भी सरकार में थे, दूसरा चुनाव हुआ, आप विपक्ष में हैं इस वक्त, नई सरकार के दूसरे टर्न के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। सरकार कह रही कि हमने जो एजेंडा सेट किया था उस एजेंडे पे बहुत अच्छे से काम किया है, जनता तक सारी योजनाएं पहुंचाने के लिए जो धरातल पे योजनाएं बनाई गई थी, जो रोड मैप बनाया गया था वो पहुँच रहा है। आपको क्या लगता है? 100 दिन में 17 करोड़ रुपये की दवा एक्सपायर हुई 100 दिन के अंदर, जो गरीबों को सरकार के तरफ से दी जाती है अस्पतालों में, 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हुई 100 दिन के अंदर, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि कि सत्ता पक्ष के लोग जुल्म करें, जाति करें, अन्याय अत्याचार करें, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, और वही हरकत अगर विपक्ष के तरफ से हो गया तो सरकार तुरंत उस पर एक्शन ले लेती है। 100 दिन के अंदर कम से कम लाखों गरीब, कमजोर, वंचित लोगों के जो 50 साल 100 साल से बसे हुए, जिनके पास ठिकाना नहीं, उनके मकान गिराने का काम किया है 100 दिन के अंदर। इनके 18 कमिश्नरी में मिनिस्टर गए, टीम गई, जांच करके आई, और 100 दिन के काम में उस टीम ने रिपोर्ट दिया कि दरोगा से लेकर DM खाली रिश्वत में लगे हुए हैं। मतलब ये लोग कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, खाली रिश्वत का काम, लूट खसोट में मस्त हैं। ये 100 दिन में वो मंत्रियों ने, उसी की कड़ी में मंत्रियों ने भी बताया, 100 दिन के अंदर एक इन्होंने कानून बहुत बढ़िया पास किया कि अब पिछड़े और दलित को अब छात्रवृत्ति नहीं देंगे। इन्होंने एक ऐसा कानून लाया है कि जो पूरी फीस एक जगह एक मुश्त जमा करेगा वही छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पाएगा। अगर गरीब के पास ये हैसियत होती एक मुश्त फीस देने की तो फिर सरकार से सहयोग क्यों लेता है? तो जो संविधान में व्यवस्था है कि भाई उनको एडमिशन कर लो, जो छात्रवृत्ति जाएगी उस पैसे को अपना उसी में ऐड कर लेना जो शुल्क प्रतिपूर्ति है, लेकिन उन्हें ऐसा कानून बना दिया कि 4-5% बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे। ये 100 दिन की उपलब्धि इनकी है। आप तो 100 दिन की कई सारी कमियां बता रहे हैं, लेकिन सरकार के नेता कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से नाराज हैं और बहुत जल्दी 24 में हमारे साथ भी आ सकते हैं। हम जो बता रहे हैं, हम जो कमी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं? हम जो कमी बता रहे हैं वो सही 100%। किस बेस पे कहते हैं? तो विधानसभा में सब कहते थे। देखिए दुनिया जैसे चलेंगे, इसी सड़क पकड़ के चलिए, अगर छोट का मंदिर है तो आप भी गाड़ी पे बैठेंगे नहीं ध्यान देंगे, लेकिन अगर बड़ा मंदिर है भगवान का तो आप भले न उतरें लेकिन गड़िये से मुड़ी लटका देंगे कि हे भगवान भला करिए, है ना? तो उसी तरह ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी, एक ताकत पैदा किया हुआ है,
जो गुजरता है जहाँ राजभर का नाम आता है तो सबके जीभ पे पानी आ जाता है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 24 में भी अभी कुछ पक्का तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ ये जो आज कार्यक्रम के वेन्यू जो रद्द किए गए हैं पटेल परिवार में, वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी और सरकार की वजह से ही इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो योजनाएँ थी वो बनाई गई थी और उसके बाद इन वेन्यूज़ को रद्द किया गया। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन पाटिल।